टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने विगत की जो कक्षाएं थी उन कक्षाओं को बखूबी मैंने लिया और ये प्रयास किया कि आपको जो भी बातें मैं बोलूं या जो मैं समझाऊं वो आपको आसानी से ग्राह्य हो, आसानी से समझ में आ जाए। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा फीडबैक भी दिया था। तो जो मेरा प्रकरण था, जो संज्ञा का प्रकरण था, उसी प्रकरण की आज हम पुनः बात करेंगे, यानी जिस पर हमने छोड़ा था उसी के आगे हम आज चलेंगे। और आज जो है संज्ञा, यानी आज संज्ञा का हमारा क्या होगा, समापन होगा। तो आइए थोड़ा सा हम रिकैप कर दें ताकि आप पिछली वीडियो से आप जुड़ सकें, इसलिए अच्छा होगा। जैसे रिकैप करने में ऐसा होगा कि आप बहुत सारे लोग अगर पहली ये वीडियो के रूप में देख रहे हो तो वो जान लें कि इसके पहले भी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो उसको भी वह देख लेंगे तो उनका सातत्यता जो है वो बना रहेगा। तो आइए चलिए, हम इसके पहले मैंने बताया था कि मैं आपको संज्ञा टॉपिक लिया हूं और संज्ञा को मैं इस समय पढ़ा रहा हूं। संज्ञा को मैंने संज्ञा की परिभाषा बताया, संज्ञा किन शब्दों से मिलकर के बना है, संज्ञा के भेद बताया, संज्ञा के बारे में मैंने सारी चीजें बताई। इनमें जब हम संज्ञा के प्रकारों पर आए थे तो वहां पर मैंने कहा था कि उसको भी मैंने हिंदी के आधार पर, अंग्रेजी के आधार पर, गणना के आधार पर मैंने विभाजित किया था और विभाजित करके आपको डिटेल से बताया था। इनमें से मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं अभी तक जो पांच प्रकार थे, इन पांच प्रकारों में मैंने आपको पहला जो प्रकार के रूप में बताया था वो व्यक्तिवाचक बताया था, और दूसरा मैंने क्या बताया था, जातिवाचक बताया था। यही तो बताया था ना, जातिवाचक बताया था, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तीसरा क्या है, व्यक्ति जाति भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा, अगर आपको याद आ रहा हो तो। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और पांचवा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। यही संभवतः मैंने आपसे पूरा चर्चा किया था, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें हमने आपसे इस व्यक्तिवाचक के बारे में चर्चा कर चुका हूं मैं। इसके बाद मैंने जातिवाचक के बारे में बता चुका हूं, क्लियर। यानी पिछली जो हमारी वीडियो है इनके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक पर आज हमारी जो चर्चा होगी यह इन तीनों संज्ञाओं पर चर्चा होगी और संज्ञा का हो जाएगा समापन। इसके बाद पुनः हम लोग जब लाइव होंगे तो टेस्ट ले लेंगे, अभी क्या है इसको हम समाप्त करते हैं। तो आइए हम तीसरे नंबर पर, यानी हम भाववाचक संज्ञाओं पर बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं भाववाचक संज्ञा। ठीक, चलिए, यानी तीसरे नंबर की आज संज्ञा पर हम श्री गणेश कर रहे हैं। और मुझे यह लगता है कि जो भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं या जो लोग हैं उनको लगता है कि बड़ा कठिन है, कैसे निकालें, आए दिन ये प्रश्न भी होता रहता है। वो तो जो लोग पढ़ लेते हैं वो लोग कहते हैं अच्छा यही है, इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा है। लेकिन प्रायः फिर भी ये प्रैक्टिस की विषय वस्तु है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे और आसान हो जाएगा। लेकिन आप समझने का आज प्रयास करिए कि आप कैसे ये जान जाएंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी ते तैसी, यानी जैसी आपकी भावना रहेगी वैसी आपको दिखाई भी देता है। इसलिए मान करके, यह मान करके पढ़िएगा कि आपकी भावना एकदम सद्भावना है और जो आज हम पढ़ेंगे हे ईश्वर उनको आसानी से
वह ग्राह्य करवा दीजिएगा। निश्चित तौर पे देखिएगा आपके साथ अच्छा होगा और चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि आप एक ऐसी सत्ता है उस पर छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा आपका। बस समर्पण होना चाहिए, समर्पण नहीं है, बस यही कमी है। जिस दिन समर्पित हो जाएंगे उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। तो समर्पण पैदा करिए, विश्वास पैदा करिए। चलिए आइए हम देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं पर, देखते हैं भाव का मतलब क्या होता है। सीधा सीधा मैं कहूं कि भाई भाव का अर्थ क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर भाव का अर्थ क्या होता है, भावना होता है। ये कह सकते हैं ना कि भाव का तात्पर्य या भाव का अर्थ क्या होता है। अगर आपके मन में भाव जागृत हुआ, आपके मन में भाव निकला, भाव उत्पन्न हुआ, तो यानी भावना, भावना हुई, भावना व्यक्त हुई। अब ये बेटा भावना क्या है, भावना क्या है, तो भावना जो है यह कैसी, यानी हमारे भाव निकलते हैं, तो भाव कैसे हो सकते हैं। भाव हो सकता है प्रेम का भाव, हो सकता है कि नहीं। भाव क्या है, कोई कहता है कि भैया इनसे हमारा जो भाव उत्पन्न हुआ, जो लगाव हुआ, वो लगाव कैसा है, वह प्रेम। इनको देख करके हमको प्रेम उत्पन्न हुआ, इनको देख करके हमको क्रोध उत्पन्न हुआ, ऐसा भी कहते हैं। इनको देख करके हमारे मन में क्या, हमारे मन में क्षमा का भाव आया, हमारे मन में क्रोध भी उत्पन्न हो गया, ऐसा भी होता है, देख करके ही होता है। हमारे मन में क्षमा का भाव आ गया, हमारे मन में घृणा का भाव आ गया, कहते हैं कि नहीं, भाव आ गया। तो भाव क्या है, भाव से तात्पर्य बेसिकली भावना से है। भावना क्या है, चाहे वो प्रेम कहिए, चाहे वो घृणा कहिए, चाहे वो लगाव कहिए, और चाहे वो आप ममत्व कहिए, यानी जो भी कुछ है, चाहे उसका गुण हो, चाहे उसका धर्म हो, चाहे उसकी दशा हो, वो सभी क्या होती हैं, भावों में व्यक्त की जा सकती हैं। लेकिन यह चूंकि हम लिख करके ही बता सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हम क्या है, अगर ये चाहें कि पूर्ण रूप से हम व्यक्त कर दें, अपनी भावना को पूर्ण रूप से व्यक्त कर दें, तो प्यारे संभव नहीं है। हम चाह करके भी अपनी भावनाओं को आप तक जैसा चाहता हूं वैसा नहीं पहुंचा सकता हूं। हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, तो भैया पूछिए कितना प्रेम करते हैं। तो आपके पास कोई पैमाना है, आपके पास कोई मापक है कि जिससे आप ये बता देंगे भैया आप इतने किलो प्रेम कर रहे हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि कोई बच्चा कहा कि सर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत लगाव है, अगर कहें तो अगला एक बच्चा और खड़ा है, वो कहे सर मैं इससे अधिक आपको प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। अब ये हमको बताइए, तब तक एक और आ गया, वो कहा सर मैं बहुत 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 प्रेम करता हूं। तो भी ये हमको बता दीजिए कि कोई हमारे पास या किसी के पास क्या पैमाना है, तो नहीं है। तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वह मापी नहीं जा सकती हैं। भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वह सिर्फ हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन व्यक्त पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कह सकते हैं हमारा आपसे लगाव है, हमारा आपको देख करके हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, या इनको देख करके हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो होती है। कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, ये छोड़ दीजिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो महसूस करने की संज्ञाएं हैं। हम क्या करते हैं, महसूसीकरण की संज्ञाएं होती हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, मेरा दिल और मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकता है, वह भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अब प्रश्न ये उठा कि अगर यह महसूस कर सकता है तो फिर हम जानेंगे कैसे,
तो पहली चीज उसको उसको आने से पहले पहले हम इसकी थोड़ी सी परिभाषाओं पर आपसे चर्चा करें। एक तो आप जाने कि भाववाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है, भावना से है, और भावना क्या हो सकती है, भावना घृणा भी हो सकती है, भावना प्यार भी हो सकता है, यानी भावना लगाव भी हो सकता है, भावना क्षमा भी हो सकता है, ये हमारी भावना है अलग अलग रूपों में। तो विद्वानों ने इसको अपने तरीके से अलग अलग परिभाषित किया, क्या किया, अलग अलग परिभाषित किया प्यारे। तो आप क्या करेंगे, तो आप परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है, आप परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा अब बताइए क्या होगा, परिभाषा क्या होगा। परिभाषाओं को आसान तरीके से भी लिखा जाता है और परिभाषाओं को क्लिष्ट तरीके से भी लिखा जाता है। कुल मिला जुला करके आपको समझ अगर है तो परिभाषाओं का निर्माण करिए, नहीं समझ है तो फिर क्या, आपके पास ऑप्शन बचते क्या है। मैं ये चाहता हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। आसान परिभाषा क्या आप दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो गुण होता है या धर्म होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक। तो एक पकड़ कर चलिए, आसानी से हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, किसी व्यक्ति का गुण, केवल इसी पर आ जाइए, केवल एक एक करके समझिए। ऐसा भी हो सकता है किसी भी व्यक्ति का गुण ही क्या कहलाता है, जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का गुण गुण ही भाववाचक कहलाता है, भाववाचक कहलाता, आसान शब्दों में भाववाचक कहलाता है। लेकिन यह पूर्ण परिभाषा नहीं हुई प्यारे कहलाता है, यह सिर्फ और सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए ऐसा कह दिया। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो अब जो है आप ऐसा, जब एक से धीरे धीरे आप बढ़ेंगे तो परिभाषाएं, तो किसी व्यक्ति का गुण ही भाववाचक कहलाता है, तब यहां पर अब अगला बढ़ा देंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण ही भाववाचक कहलाता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये भी लिखा जा सकता है किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण धर्म दशा ही भाववाचक कहलाता है, या उसे हम भाववाचक कह सकते हैं, परिभाषा नंबर दो में। परिभाषा नंबर तीन में ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा धर्म अथवा दशा आदि का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जाइए, ऐसा भी हो सकता है कि जिन संज्ञा शब्दों से क्या लिखेंगे, अब जिन संज्ञा शब्दों से, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, ऐसा लिख दीजिए कि जिन संज्ञा शब्दों से संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से क्या लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति, उसके भाव, उसकी दशा, उसके गुण, उसके धर्म, उसके विचार, उसके स्वभाव, उसकी चेष्टा, उसके व्यापार आदि का जब पता चलता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। तो किसी भी जिन संज्ञा शब्दों से क्या पता चले, जिन संज्ञा परिभाषाएं, अब क्या हो गए, पूर्ण परिभाषा मैंने धीरे धीरे करके आपको बढ़ाया। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की भाव का पता चले, दशा का पता चले, गुण का पता चले, धर्म का पता चले, विचार का पता चले, स्वभाव का पता चले, या चेष्टा का पता चले, या व्यापार आदि का पता चलता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर ये बताइए आप लिख लेंगे कि नहीं, यहां पर लिख लेंगे कि नहीं। पुनः मैं दोहरा दे रहा हूं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, दशा, गुण, धर्म, विचार, चेष्टा, व्यापार आदि का पता चलता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब परिभाषाओं को निर्मित कर लीजिए। एक हो गया क्या, भाववाचक की परिभाषाएं, भाववाचक परिभाषाओं में, और यह लिख दीजिएगा कि भाववाचक जो संज्ञाएं हैं वह महसूस की संज्ञाएं हैं, यानी हम महसूस कर सकते हैं।
अब आते हैं हम भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, एक होती हैं मूल भाववाचक संज्ञाएं और एक होती हैं यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। अगर हम इसको विभाजित करके देखें तो एक होती हैं क्या है, ऐसा हम करें तो भाववाचक संज्ञाओं को हम दो रूपों में विभाजित कर लेते हैं। परिभाषा समझ में आ गया कि नहीं, कि लिखना नहीं पड़ेगा, आप इसको लिख लीजिएगा सीधा सीधा, लिखने से और कोई बात नहीं है, मैं लिखूंगा और समझ आएगा, इससे बढ़िया और अच्छी तरीके से समझा देता हूं उतने समय में तो आपको समझ में चीजें आ जाती हैं। अब देखिए इन भाववाचक संज्ञाओं को हम दो रूपों में क्या करेंगे, विभाजित कर लेंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं का जो विभाजन हुआ, हम विभाजन दो रूपों में कर देते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का विभाजन कितने रूपों में प्यारे, दो रूपों में कर देंगे। एक होता है क्या, मूल भाववाचक संज्ञा, मूल भाववाचक। ठीक है, मूल भाववाचक संज्ञा, चलिए मूल भाववाचक। और दूसरा क्या होता है, क्या होता है यौगिक भाववाचक संज्ञा, क्या होता है यौगिक भाववाचक संज्ञा, यौगिक भाववाचक संज्ञा। अब ये हमको बताइए जो मूल भाववाचक संज्ञा है इसको हम अयौगिक कह सकते हैं कि नहीं, तो इसको मूल भाववाचक संज्ञाओं को हम क्या कह सकते हैं, अयौगिक संज्ञा, ये भी कह सकते हैं और यौगिक संज्ञा कह सकते हैं, भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं, इसको यौगिक भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं, यौगिक को ही हम क्या कह सकते हैं निर्मित भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं, निर्मित भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं हमको ये बताइए। यानी मूल और यौगिक ये दो प्रकार से, अब यहां पर मूल तो आपको समझ में आ जाएगा, तो मूल क्या है, जैसे भाव, जैसी भावना है वही मूल है, सीधी सी बात है। तो मूल भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, मूल भाववाचक संज्ञाएं क्या है हमारी, प्रेम है, सुख है, दुख है, क्रोध है, मोह है, घृणा है, ईर्ष्या है, यानी हम मूल भाववाचक संज्ञाओं में आते हैं यहां पर, नहीं तो आप कहेंगे कि केवल बोल रहे हैं। मूल भाववाचक संज्ञाएं, मूल भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है संज्ञा। अब मूल भाववाचक संज्ञाओं में क्या होता है, हमने प्रेम लिख दिया, हमने घृणा लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, प्रेम है, घृणा है और ईर्ष्या है, क्या है ईर्ष्या है, रोग है, दुख है, दुख है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे मूल भाववाचक संज्ञाएं होते हैं, हमने क्या किया, चाहे वह दया आप पर आई हो, चाहे वह आपके घृणा आई हो, या चाहे ईर्ष्या उत्पन्न हुआ हो, या मोह उत्पन्न हुआ हो, यानी चाहे क्षमा उत्पन्न, मैंने क्षमा किया हो, ये सब क्या होती हैं, मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं, मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो अब ये बताइए, अब जब ये मूल भाववाचक, ये हमारे मन में उबलता है, मूल भाववाचक मतलब हमारे मन में निकलता है, दुख अगर किसी वस्तु को देख करके हम दुख उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर तो दुख हमारा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ। सुख किसी को मिलते ही, देखते ही हमको सुख का आनंद होता है, सुख की अनुभूति होती है, तब हमारी मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अभी मैं आपको बताता हूं इसका, इसके बाद से हमारा क्या होता है, यौगिक भाववाचक संज्ञा, कौन सा, ये तो मूल हुआ, दूसरा क्या होती है यौगिक भाववाचक संज्ञाएं, आप इसको ध्यान से समझिएगा, यौगिक भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक, ठीक है। अब आप ये कहेंगे, ठीक है आप ये हमको बता दीजिए, अब पहले इसको आप जानिए, यौगिक भाववाचक संज्ञाओं को जानिए तब मैं आपको बताता हूं यौगिक भाववाचक संज्ञा क्या है। योग से जो निर्मित है, योग कैसे हो गया, हम प्रत्ययों के द्वारा क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, यानी जिसका हम प्रत्यय से निर्मित करते हैं उसे हम यौगिक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी हम यहां पर प्रत्ययों से निर्मित, प्रत्ययों से निर्मित, से निर्मित संज्ञा को यौगिक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें कितने आधारों पर, यानी भिन्न भिन्न आधारों पर हम क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। जैसे हम निर्मित कैसे करते हैं, सर्वनाम से निर्मित करते हैं। अब यहां पर आप
आप देखिए यहां निर्मित हम कैसे कर रहे हैं, तो निर्मित हम कैसे कर रहे हैं प्यारे, सर्वनाम के आधार पर कर रहे हैं, सर्वनाम के आधार पर कर रहे हैं। निर्मित हम किसके आधार पर करेंगे, विशेषण के आधार पर करेंगे। निर्मित हम कैसे करेंगे, क्रिया के आधार पर करेंगे। निर्मित हम कैसे करेंगे, अव्यय के आधार पर करेंगे। निर्मित हम कैसे करेंगे, व्यक्तिवाचक के आधार पर करेंगे। निर्मित हम कैसे करेंगे, अव्यय के आधार पर करेंगे। यानी चाहे वो सर्वनाम के द्वारा करिए, चाहे क्रिया के द्वारा करिए, चाहे विशेषण के द्वारा करिए, चाहे अव्यय के द्वारा चाहिए, चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से में जोड़कर करिए, प्रत्यय जोड़कर करिए, चाहे जातिवाचक संज्ञाओं में प्रत्यय जोड़कर करिए, कुल मिला जुला करके आपको जो ये संज्ञा है, ये जो भाववाचक संज्ञा है, इसको हम सर्वनामों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, अव्ययों के द्वारा, विशेषणों के द्वारा हम प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय लगा करके इसको हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, सीधा सीधा ये जानिए। अब आप जानेंगे कैसे कि ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक शब्द हमने लिखा, अपना शब्द लिखा, आप ध्यान में रखिएगा, छोड़ इसको हटा दीजिए, एक शब्द मैंने अपना लिखा, ठीक है, एक शब्द मैंने यह लिखा और एक शब्द मैंने क्या लिखा, अपनत्व लिखा। और मैं आपसे ये पूछूं भैया कि इसमें ये बताइए कि कौन भाववाचक संज्ञा है, मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कौन भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, आपसे ये पूछूं। और मान लीजिए कि मैं पराया लिखा, यहां पहले इसको जान लीजिए, अपना लिखा, अपनत्व लिखा। अब ये बताइए कि इसके आगे अगर कुछ आसानी से जुड़ जाता है, ध्यान में रखिएगा मूल पॉइंट, अगर इसको आप समझ लीजिए तो भाववाचक संज्ञाएं कभी गलत नहीं होंगी। अभी तमाम उदाहरण देकर के मैं आपको ऐसा समझाऊंगा। अगर कोई सर्वनाम है, कोई क्रिया है, कोई विशेषण है, कोई अव्यय है, कोई भी शब्द हो, अगर वो ये कैसे आप जानेंगे कि यह जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा उड़ना लिखा, हमने उड़ना लिखा, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि यह अकेला लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, अकेला लिख सकते हैं। अब मैं पूछूं भैया ये हमको बताइए कि इसमें से भाववाचक संज्ञा है कि नहीं, कोई कहा कि नहीं सर है, ठीक। अब है तो कौन है, मान लीजिए किसी ने कहा सर ये है, तो फिर मैं पूछूं कि ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, आप कहेंगे कि नहीं है। मैं कहूं कैसे नहीं है, कैसे आप पहचान लिए, मान लीजिए कोई बच्चा पूछे कि सर कैसे आप पहचान लिए, तो आप पहचानने की मुझसे ट्रिक जान लीजिए। जब भी चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे वो विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, चाहे अव्यय हो, चाहे व्यक्तिवाचक से भाववाचक बन रहा है, चाहे जातिवाचक से भाववाचक बन रहा है, जो भी भाववाचक बन रहा है, हमसे इससे मतलब नहीं है। भाववाचक अगर बनेगा और भाववाचक शब्द आएगा तो उसके आगे कोई भी संज्ञा पद नहीं लगेगा, संज्ञा पद नहीं लगेगा। अगर भाववाचक नहीं है तो संज्ञा पद अवश्य लगेगा और आपको सिट बैठेगा। अब ये कहेंगे सर संज्ञा भी नहीं समझ आता, तो छोड़ दीजिए, वो भी ना समझिए। अगर आप देखिए इसके आगे सिट बैठता है, एकदम आपको लगता है कि नहीं नहीं ये क्लियर है, ये सेटिंग है। जैसे मान लीजिए हम लिख दें, अब यहीं पर उदाहरण से आप समझ लीजिए, यहीं पर उदाहरण से समझिए, मान लीजिए अपना हाथ लिख देते हैं, लिखते हैं ना अपना हाथ, जगन्नाथ ऐसा कहते, छोड़ दीजिए, अपना हाथ लिख दीजिए, अपना घर लिख दीजिए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये सेट बैठ रहा है कि नहीं। अब यानी अगर अपना हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा है, अगर संज्ञा के पहले अगर ये संज्ञा भाववाचक होता तो कतई यह बैठता नहीं, आप ध्यान लीजिए। अब यहां देखिए, मैं यहां लिख दूं कि उड़ना हाथ, अकेला हाथ, ठीक है, छोड़ दीजिए,
अपनत्व, अपना से क्या बना, अपनत्व, 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 हाथ बैठ रहा है कि नहीं ये बताइए। कोई कहे कि भाई ये ऑप्शन ऐसे ही तो देगा ना कि अपनत्व हाथ, आप ये देखिए बैठा, आप कहेंगे नहीं बैठा, तो नहीं बैठा तो अपना का ये भाववाचक क्या बना, यह अपनत्व बना, क्या बना, अपनत्व बना। हो सकता है कि अपनत्व भी हो सकता है, यहां अपनापन भी हो सकता है, अपनापन यानी पन प्रत्यय लगा करके अपनापन भी। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाववाचक संज्ञाएं केवल एक ही होंगी, एक से अधिक भी हो सकती हैं। जैसे अपना अगर है तो अपना से अपनत्व भी बनता है और अपनापन भी बनता है, क्या, अपनापन भी, यानी प्रत्यय लगा करके हम क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, इसको जब हम निर्मित करते हैं तो ये भाववाचक संज्ञाएं हम निर्मित कर रहे हैं, हम भाववाचक संज्ञाएं, यह यौगिक, और यही आपसे पूछा जाता है प्रायः, जो है यौगिक ही पूछा जाता है, मूल कम पूछा जाता है, यौगिक ही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा उड़ना, लिखा उड़ना, लिखा, अब उड़ना क्या है भैया, अगर मैं ये पूछूं कि मेरे लाल उड़ना क्या है, तो आप कहेंगे क्या है उड़ना, क्रिया है, उड़ना क्या है, क्रिया है, इतना तो जानते हैं नहीं। तो उड़ना से अगर मान लीजिए चार विकल्प दिए और ये पूछा गया उड़ना का, अगर वह उड़ रहा है, ठीक है, ऐसा कहते हैं, ये कहा जा सकता है, तो उड़ना क्रिया हो गई। अब ये बताइए उड़ना और उड़ाव, उड़ना और उड़ाव, ये बताइए सेटिंग कौन होगा, ठीक है। मान लीजिए हवाई जहाज, क्या, हवाई जहाज, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हवाई जहाज उड़ाव रहा रहा है, ऐसा आप लिखेंगे तो इस सेंटेंस ही नहीं बैठेगा। जब भी आप संज्ञा लगाएंगे, या अगर यह संज्ञा होगा तो पुनः यह सेट नहीं होगा, अगर संज्ञा नहीं होगा तो यहां पर क्या है, उड़ना क्या है, क्रिया है, क्रिया से हम आव प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, और जब भी ये संज्ञा बन जाएगा, एक अब क्रिया नहीं रहा, ये संज्ञा हो गया, और जब भी क्रिया संज्ञा हो जाएगी तो पुनः वह संज्ञा की तरह व्यक्ति होगी, वह क्रिया की तरह कार्य नहीं करेगी, वह सेट बैठेगा ही नहीं बैठेगा, वह कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। अकेला है, अकेला व्यक्ति कह सकते हैं, लेकिन कभी नहीं कह सकते हैं प्यारे, अकेलापन व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, क्या, अकेलापन व्यक्ति आप नहीं कर सकते हैं। आप लगा करके देखिए ये क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया, और जब ये गलत हो गया, पूछा गया भाई अकेला और अकेलापन में कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि अकेलापन होगा, अकेलापन भाववाचक संज्ञा होगा, यह अकेला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्यों, अकेला व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता है क्या है, कि वह अकेला है, व्यक्ति की विशेषता है कि वह अकेला है। तो यानी यहां पर विशेषण से हम भाववाचक संज्ञाओं का क्या कर लिए, निर्माण कर लिए, किससे कर लिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का हम प्यारे निर्माण कर लीजिए। चलिए मान लीजिए कि हम ये लिखते हैं, एक शब्द है दौड़ना, क्रिया है, कभी कभी ऐसा पूछ देता है ना कि कौन सा भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक। अब देखिए मान लीजिए ऑप्शन ने बताया और प्रश्न पूछा कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा है, ये पूछा है क्वेश्चंस, ऑप्शन क्या बताया, ऑप्शन मान लीजिए दौड़ना बनाया, ठीक है, एक ऑप्शन ये बताया, हो सकता है कि एक ऑप्शन वह ऐसा मान लीजिए बनाया लिखाई बनाया, ठीक है, या लिखना बनाया, बी ऑप्शन क्या हो गया, लिखना हो गया। चलिए सी ऑप्शन क्या बनाया जा सकता है, सी ऑप्शन ये हो सकता है कि मान लीजिए हम दुष्टता लिख दिए, ठीक है, दुष्टता लिख दिए, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन हमने लिख दिया, मान लीजिए मैं मार लिख दिया, चलिए ठीक है, मार लिख दिया। अब इसमें पूछा गया कौन सी भाववाचक संज्ञा है, अब आप यूं देखिए कि जब भी अगर ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करेंगे,
सीधा सीधा। मैंने कहा अभी आपको और भी क्वेश्चन मैं दूंगा, मैं जब पूरा हो जाएगा तो मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि भाववाचक संज्ञाओं को मैं चाह रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा आ जाए। अब यहां देखिए, दौड़ना क्रिया है, ये तो इतना तो आप जान रहे हैं। लिखना क्या है? क्रिया है, है ठीक है। अगर मान लीजिए ये तो क्रिया हो गया, क्रिया जब आ जाएगी तो खत्म कहानी करिए, क्रिया तो अपने आप लग जाएगी, वह ठीक है, वह दौड़ रहा है, वह लिख रहा है, मान लीजिए तो ठीक है, क्रिया हो गया। जिसके अंत में ना आ जाता है, धातु के बाद अगर ना लग जाता है तो क्रिया हो जाती है, खत्म करिए, इतना तो आप जान रहे हैं कि ये क्रिया हो गई। और नहीं अगर जान रहे हैं तो फिर कायदे से पढ़िए, सामान्य चीजें आपको जानना पड़ेगी कि ये क्रिया है। चलिए, हम जहां पर आपको दिक्कत होती है वो मैं बताना चाहता हूं। अभी मैं इसके अलावा भी एक और उदाहरण देता हूं, दुष्टता और मार, ठीक है। मान लीजिए कि ये दुष्टता पूछा गया और ये क्या पूछा गया? मार पूछा गया, क्लियर है? नहीं, ये मार मत करिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर क्या कीजिए, दुष्ट कर दीजिए, ये दुष्ट कर दीजिए। कौन सी भाववाचक संज्ञा? अब देखिए, अब ये हमको बताइए कि आपसे अगर ये पूछा गया कि इसमें कौन भाववाचक संज्ञा है, तो अब लगाइए दुष्टता व्यक्ति लगा सकते हैं कि दुष्ट व्यक्ति लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ठीक है? तो आप बताइए क्या लगाएंगे, दुष्टता व्यक्ति लगाएंगे कि दुष्ट व्यक्ति लगाएंगे? यहां व्यक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्ति का यहां सटीक बैठ रहा है कि यहां सटीक बैठ रहा है? यहां कहां सटीक बैठ रहा है? यहां सटीक बैठ रहा है। जब यहां पर सटीक बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं यह व्यक्ति की विशेषता के संदर्भ में आ रहा है, और जब व्यक्ति की विशेषता के संदर्भ में आ रहा है तो यह दुष्ट क्या हो गया? यह विशेषण हो गया। और यह क्या हो गया? दुष्ट से हमने क्या बना दिया? दुष्टता हो गया। चूंकि व्यक्ति भी संज्ञा है और यह भी संज्ञा है, इसलिए सही बैठेगा ही नहीं, खत्म कहानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खत्म कहानी हो जाएगी। तो संज्ञा संज्ञा साथ में बैठा करके आप लिख चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी कहीं न कहीं आपको ये चीजें समझनी होगी और ये चीजें आपको जानना होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। मान लीजिए कि अगर हमने पूछा कि शब्द दिया कि, चलिए पहले क्वेश्चन क्या है, कौन सी क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और करिए, बाकी मैं टेस्ट में लूंगा। कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, ए ऑप्शन पूछ रहा है क्या, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछ रहा है। अब आपको मान लीजिए कि शब्द लिखा कि अनिवार्य लिखा, थोड़ा सा मैं कठिन ले लूं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो आप कहेंगे बस ऐसे हल्के हल्के ले रहे हैं। मान लीजिए कि शब्द मैंने अनिवार्य ले लिया, चलिए मान लीजिए कि शब्द हमने ले लिया उपयोगिता, मान लीजिए ले लिया, बी ऑप्शन क्या ले लिया, उपयोगिता, ठीक है। सी ऑप्शन क्या लिया, दौड़े ले लिया, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या ले लें, डी ऑप्शन हम चलिए निजता ले लें, चलिए निजता ले लें। अब पूछा है कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं, निजता तो हो जाएगा ना, ये तो गलत, जब प्रश्न बनाना पड़े ना तो अचानक वो भी लाइव में, तो ये हो जाता है कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। मान लीजिए कि एक शब्द हो गया कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, चलिए ठीक है निजता, सही शब्द मैंने लिया था निजता, ठीक है सही लिया था। आप यूं मत सोचिएगा, क्वेश्चन बनाने में डायरेक्ट जो है कभी कभी ऐसा होता है। अब हमको बताना है कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, या तो मैं पहले से बना दिया होता, वैसा कभी आदत नहीं है। यहां देखिए, अब ये हमको बताओ कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आप कैसे पहचानेंगे, अब बताइए कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, अब बताइए। अब इसमें क्या आपको दिमाग लग रहा है, संज्ञा लगाओ, मैंने कहा ना कि संज्ञा लगाइए, एक्स वाई जेड कोई भी शब्द हो संज्ञा लगाइए। अब यह बताइए, मान लीजिए कि
अब जो आपको आसान लगे वही लगाइएगा, और क्या अनिवार्य है। अनिवार्य क्या होता है? अनिवार्य वस्तु होती है, अनिवार्य प्रश्न होता है, ऐसा कहते हैं ना, अनिवार्य प्रश्न। उपयोगिता प्रश्न लगेगा, उपयोगिता प्रश्न। दौड़ व्यक्ति लगेगा या दौड़ प्रश्न लगेगा या दौड़ कुछ लगेगा। यहां पर मान लीजिए हम दौड़ व्यक्ति ही लगा दें, दौड़ वस्तु ही लगा दें, दौड़ प्रश्न ही लगा दें, मान लीजिए कुछ भी एक्स वाई जेड। निजता प्रश्न लगा दें, ठीक है, प्रश्न लगा दें, या निजता वस्तु लगा दें, निजता जो आपकी इच्छा आप लगा दीजिए। आप देखिए ये बताइए, हमको यहां सेट क्या बैठा? हमको यहां सेट किस पर बैठा कि उपयोगिता पर बैठा, जो आपको लगाना चाहिए वो आगे लगा लीजिए, निजता पर बैठा कि दौड़ पर बैठा कि अनिवार्य पर बैठा। और पूछा है कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, और मैंने कहा कि अगर बैठ जाएगा, अगर संज्ञा अगर बैठ जाएगा तो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, ये क्लियर है। अगर अनिवार्य प्रश्न, प्रश्न कैसा है? अनिवार्य है, ये सीधा सीधा सेंटेंस बैठ गया, अतः अनिवार्य जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती है। अनिवार्य क्या है? ये भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती है। अब प्रश्न की विशेषता क्या है कि अनिवार्य है, यानी निश्चित तौर पे आपको करना ही करना है, इसको निवार्य टाला नहीं जा सकता है, अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रश्न कैसा है? अनिवार्य है, यानी ये आपका विशेषण है, यह आपकी संज्ञा नहीं है। अगर यह संज्ञा रहती तो यहां पुनः प्रश्न नहीं बैठता, कुछ बैठता ही नहीं, इतना क्लियर है। संज्ञा के बाद संज्ञा बैठता ही नहीं। उपयोगिता प्रश्न कहिए, खत्म कहानी, यह कहीं ना कहीं भाववाचक संज्ञा है। दौड़ भाववाचक संज्ञा है, निजता भाववाचक संज्ञा है। अब यह अलग बात है कि निज का जो होता है, निज जो सर्वनाम है, इसका भाववाचक संज्ञा निजता भी होता है और निजत्व भी होता है। क्या होता है? निजत्व भी होता है। क्या होता है? निजत्व भी होता है। इसकी भाववाचक संज्ञा यानी निज का क्या होता है? निजता भी होता है और निजत्व का भी होता है। दौड़ क्या हो गया? दौड़ना हो गया। दौड़ना क्या है? क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो दौड़ना से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी? या दौड़ बनी। दौड़ना क्रिया से दौड़ भाववाचक संज्ञा बनी, ठीक है। उपयोगिता है, उपयोगिता क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गया, यानी इस भी क्या बनेगा? विशेषण क्या होगा? उपयोगी होगा। अब यहां उपयोगी होगा। अब बताइए हम उपयोगी वस्तु लगा सकते हैं, उपयोगी प्रश्न लगा सकते हैं। ज्यों यह विशेषण बना त्यों यह इसके आगे कोई संज्ञा लग गया, नहीं बना तो खत्म। आपको करना क्या है कि आपको जो भी प्रश्न पूछा जाएगा एक्स वाई जेड ये हम नहीं जानते हैं, उसको आपको ऐसे ही चेक करना है। अगर ऐसा कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपका कल्याण हो जाता है, यानी आप पकड़ ले जाते हैं। नहीं कर ले जाते हैं तो पुनः नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि इससे आसान तरीके से संभवतः अभी तक आप पढ़े नहीं होंगे। तो इतना जान लीजिएगा, मैं यह आत्मश्लाघा नहीं है, यह प्रशंसा नहीं है, यह हकीकत है कि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर कैसे समझ में आता है, भाववाचक संज्ञा समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसा आप करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 99% आप क्या कर ले जाएंगे? पकड़ ले जाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा और वो दोनों संज्ञाएं हो नहीं पाएंगी। वो दोनों संज्ञाएं यानी जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और जो समूहवाचक संज्ञा है वो हो नहीं पाएंगी, इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो में ही रहेगा। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। और अगले जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा वो किस पर होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, यानी अगली वीडियो में वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को बहुत बहुत प्यार है, असीम प्यार है कि आप लोग एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद।